निगम सुखू के आवास ओक ओवर पर लगे जनता दरबार में राज्य भर से फरियादी पहुंचे हुए थे। सीएम एक एक कर हर किसी की समस्या सुनकर उसके समाधान का भरोसा और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे थे। इसी बीच एक सरकारी कर्मचारी सीएम के पास ट्रांसफर की सिफारिश लेकर आ पहुंचा, जिसे सुनने के बाद सीएम सुखू ने फौरन आदेश सुना दिया कि सीआईडी और विजिलेंस विभाग में 5 सालों से एक जगह पर तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला होगा, चाहे वो मेरे भाई ही क्यों ना हो। खासकर सीआईडी और विजिलेंस में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, 5 सालों से डटे हुए हैं, उनको आप ट्रांसफर करेंगे चाहे आपका भाई भी क्यों ना हो। नहीं देखिए, ऐसा है कि सरकार की नीति है कि जो एक स्टेशन पर 5 साल से ज्यादा अधिकारी रहा है, चाहे वो एक्साइज में है, चाहे बिजली बोर्ड में था जिनको हमने स्थानांतरण कर दिया, और अब पुलिस में व्यवस्था परिवर्तन के दायरे में ये लोग भी आ रहे हैं जो सीआईडी में 5 साल रह चुके हैं या विजिलेंस में 5 साल रह चुके हैं, तो उनको कुछ समय के लिए कूलिंग पीरियड होगा, यानी कि उनको 2 साल किसी और जगह काम करके वो दोबारा आ सकते हैं। ऐसा है, हमने रिफॉर्म्स के वे में इस प्रकार से हम कार्य करने की सोच रहे हैं, तो उसमें जितने भी सीआईडी में 5 साल से ज़्यादा के है या विजिलेंस से ज़्यादा के है, उनके लिए मैं पुलिस विभाग के मैनुअल के हिसाब से जो भी है उसको। हालांकि सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी अधिकारी के तबादले का अर्थ ये नहीं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त था, बल्कि तबादले को नियम की बाध्यता के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। ये हमारा दायित्व है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हिमाचल प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं कि जिन पर कुछ उंगली न उठे। ऐसा नहीं, ये लोग सब लोग ये अपनी सेवाएं देते रहे हैं, लेकिन एक जगह बैठ के फिर निश्चित तौर पर जब परिवर्तन होता है तो उसमें थोड़ा सा बदलाव करना जरूरी होता है। भ्रष्टाचार तो के सिलसिले में तो नहीं इनको उठाया, इनका तो टर्म पूरा हो गया था इसलिए उठाया। हो सकता है कि कुछ अधिकारी अब भी सीएम के पास सिफारिश लेकर पहुंचने की सोच रहे हो, लेकिन सीएम ने साफ कर दिया है कि ट्रांसफर तो होगा और जो नियम है वैसे ही होगा। रणवीर सिंह, न्यूज 18।